हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं मूंग की दाल की मंगोचियों की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनती है और बहुत ही झटपट से बनके ये तैयार हो जाती है। जब भी आपको समझ में नहीं आए कि आज क्या बनाना है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बेइंतहा पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ हमने मूंग की दाल ले ली है 150 ग्राम। इसको 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। ये देखिए, भिगाने से दाल का दाना बड़ा बड़ा हो जाता है। अब इसको साइड में रख देंगे और यहाँ ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें दाल को ऐड कर देंगे। और इसका हमें पेस्ट बनाना है, तो इसका हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा पेस्ट बनाएंगे। जितना भी मिक्सर में आ जाए उतना डाल के हमें इसका पेस्ट बना लेना है। 1 से 2 टेबल स्पून ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए, यहाँ हमने दाल को पीस के रेडी कर लिया है। ये बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया है दाल का, दरदरा ही पेस्ट बनाया है। आप देख सकते हैं, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ हमने लिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा और 1/2 टीस्पून धनिया। 2 पिंच हमने बेकिंग सोडा लिया है। ये सब इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऐड कर देंगे हरा धनिया, 1/2 कटोरी हरा धनिया है। और साथ में ऐड कर देंगे प्याज, तो एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है दाल के पेस्ट में। तो देखिए, यहाँ सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ हमने मंगूचियों को फ्राई करने के लिए ऑयल को हल्का गर्म कर लिया है। हम मंगूचियों के बैटर से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मंगूचियों को नहीं फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से मंगूची अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ मंगूचियों को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इनको फ्राई करने में। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, मूंग के दाल के पकोड़े के जैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये चाय के साथ, या फिर आप इसको हरी चटनी या सॉस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। बस इनमें हल्का सा और कलर आने देंगे। तो देखिए, मंगोचियों में गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको निकाल लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ हम पैन में 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। 15 से 20 सेकेंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा और मेथी फ्राई हो गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट बना लिया था। अब हमें प्याज को भी भून लेना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इसमें हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आने लगता, जब तक हम प्याज को भून लेंगे। प्याज यहाँ फ्राई हो गई है, हल्का गोल्डन कलर आ गया है इसमें। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें हमने लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर देंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून पानी, जिससे मसाले जलेंगे नहीं, और मसालों को भून लेंगे जब तक इनका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता और तेल रिलीज नहीं होने लगता। 3 से 4 मिनट लगेंगे मसाले को भूनने में। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे हम और मसाले को भून लेंगे। तो देखिए, यहाँ मसाला भून गया है, तेल सरफेस पे आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों की सिंपल प्यूरी बना ली है, मिक्सर के जार में डाल के ये ऐड कर देंगे। और टमाटर को भी भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, जब तक टमाटर का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और तेल रिलीज़ नहीं होने लगता, जब तक इसको भून लेंगे। मूंग की दाल की मंगोचियों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और बहुत ही सिंपल होती हैं। बेसिक से मसालों के साथ ये बनके तैयार हो जाती है रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है ये खाने में। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे मेथड से, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मसाला अच्छे से भुन गया है, टमाटर का पानी भी ड्राई हो गया है और ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ हम 1.5 कप पानी का यूज़ कर रहे हैं। पानी थोड़ा इसमें ज़्यादा ही डालेंगे, क्योंकि जब मंगोचियाँ डालते हैं तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए यहाँ हमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालना है। तो हम टोटल 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। अब इसमें एक बार चम्मच चला देंगे और ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम ही करेंगे, जिससे ग्रेवी का कच्चापन
खत्म हो जाए। ग्रेवी को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राई करे हुए पकोड़े, और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट ही इसको पकाएंगे हम। एक बार इसमें चम्मच चला देंगे और इसको कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे बस हमें 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको कुक करना है। 2-3 मिनट हो गए थे, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, और मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, और चलिए करते हैं अब इसको डिश आउट। लीजिए, बनके तैयार हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मूंग की दाल की मंगोचियाँ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर लेकर आऊँगी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।